गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल उर्वशी। सो गाइस इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये टीनेजर मेकअप लुक, जो बहुत ही बेसिक मैंने मेकअप किया है यहाँ पे, और जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं सारे के सारे ही अफोर्डेबल हैं। सो फर्स्टली मैं स्किन केयर से कर रही हूँ, बिकॉज ये टीनेजर मेकअप लुक है तो हम ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे इसमें। सो मैंने यहाँ पे बायोटिक का सीरम यूज़ करा है, अच्छे से अपनी स्किन में इसे अप्लाई करा है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल आप ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी जेल ले सकते हो या फिर क्रम ले सकते हो। देन इसके बाद मैं यहाँ पे बायोटिक की सनस्क्रीन ले रही हूँ। सनस्क्रीन आपको लगानी है एटलीस्ट 30 SPF की, वो होनी चाहिए ताकि आपकी स्किन को कोई भी लाइक सनबर्न ना हो या कोई भी इशू ना हो। और अच्छे से मैंने इसे अप्लाई कर लिया। देन इसके बाद मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी। सो मैं यहाँ पे डार्लिंग इज़ाबेला का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे डार्कनेस लग रही है वहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया। अगर आपको नीड है तो ही आप लगाओ, अगर नीड नहीं है तो आप मत लगाओ, आप डायरेक्ट कोई भी कॉम्पैक्स से सेट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे कोई भी टूल्स यूज़ नहीं करे हैं, कोई भी ब्रश या फिर कोई भी लाइक ब्लेंडर यूज़ नहीं करा है मैंने यहाँ पे। सो मैं अपने हैंड से ही इसे डैप डैप मोशन में इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो मोस्टली टीनेजर के पास ज़्यादा लाइक प्रोडक्ट्स नहीं होते, उसी हिसाब से मैंने ये मेकअप किया है। सो आप इस तरह से भी मेकअप कर सकते हो। सो अच्छे से इसे मैंने ब्लेंड किया है। आप अपनी रिंग फिंगर से इसे अच्छे से ब्लेंड करोगे तो ये ब्लेंड हो जाएगा। आपको इसे लाइक ऐसे लगा के फेस में खींचना नहीं है, लाइक इसे धीरे धीरे से लगा के डैब 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 आपको करना है। ये स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाएगा। और आपको ज़्यादा लेयर नहीं लगानी, थोड़ी सी लेयर लगानी है क्योंकि समर में फिर वो कुछ नहीं होगा, वो स्वेटिंग होके निकल जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा लाइक लेयर्स नहीं लगानी है। देन इसके बाद ही मैं यहाँ पे लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर भी SPF है, तो जितना समर में SPF आप लगाओगे उतना सही है, आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं होगा। सो मैं अच्छे से लाइक कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। नेक एरिया साइड पर भी यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया कॉम्पैक्ट। देन इसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही हूँ। अगर आपको आईब्रो ऐसे फिल करने नहीं आते तो आप पेंसिल से कर सकते हो। आईब्रो फिल करने के लिए आपको लाइक मिडल से स्टार्ट करनी चाहिए और आगे वर्टिकली आपको आईब्रो फिल करनी चाहिए। देन स्पूली की हेल्प से मैंने कॉम कर लिया है। सो मैं यहाँ पे कोई भी आई शेडो वो सब नहीं लगा रही हूँ। देन मैं यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ ब्लू कलर का काजल अप्लाई कर रही हूँ मैं। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा यूज़ करा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, ये लैशेस को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर देता है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा काइंड ऑफ पिंक में है। आप इसके अगर आपके पास टिंट है तो आप टिंट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो लिपस्टिक में तो आप लिपस्टिक लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप लिप बाम भी लगा सकते हो। सो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन दे रही हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ADS की लिप कलर लगा रही हूँ, ये काइंड ऑफ ऑरेंज शेड में है। सो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगाई है। देन इसके बाद आप सेम लिपस्टिक को एज एन ब्लश लगा सकते हो। आई शेडो बहुत सारे फ़ायदे हैं मतलब लिपस्टिक के, आप बहुत ज़्यादा तरह से इसे यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद ब्लश के लिए भी मैंने लिपस्टिक ही लगाई है और अच्छे से इसे मैंने इसे लाइक सर्कुलर मोशन पे आपको ऊपर की तरफ इसे स्मज कर लेना है। देन इसके बाद मेरी जो लिप कलर थी बहुत ज़्यादा, मैंने फिर इसको एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे सेट किया है कि थोड़ी सी मैट लुक ये देगी। यू कैन सी ये काफ़ी मैट लुक दे रही है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगी। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप गाइज ये लुक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी मेरी न्यू अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड प्लीज़ अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड प्लीज़ गाइज लाइक शेयर कमेंट। बाय, सी यू सून।